ये देखिए खिचड़ी बनाई है मैंने। ये देखिए इतनी सारी खिचड़ी है, ये बॉक्स भरना है मुझे, आपको दिखाया था मैंने। अभी टाइम लगेगा, मैं लेट हो गए हैं, जब तक लोग खा लेंगे बैठे होंगे तो। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। और आज मैं खाना बांटने की तैयारी कर रही हूँ, मैंने सोचा चलो थोड़ा सा खाना क्यों ना बांट दिया जाए। तो मैंने आज बनाई थी खिचड़ी, तो खिचड़ी ही बांटूंगी आज मैं, क्योंकि आज खिचड़ी का ही पर्व है। यह मुझे घर का और बाहर का दोनों देखना पड़ता है, काफ़ी काम था आज मेरे पास सुबह से ही। तो मैंने खिचड़ी भर के, ये भगोना भर के खिचड़ी बनाई है, मैंने आपको दिखाई भी है। तो इसमें देखते हैं कितने डब्बे लगते हैं, तो ये पूरी क्वांटिटी मैं बताऊंगी आपको। 29 डब्बे हैं ये, क्योंकि मेरा टारगेट था कि कम से कम 50 डब्बे हों, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोग बैठे रहते हैं जो पेशेंट के साथ आते हैं। वो लोग बेचारे बहुत भटकते हैं खाने के लिए, बहुत परेशान होते हैं, मैंने उनको खुद देखा है। क्योंकि सामने हॉस्पिटल के इतने महंगे फ्रूट और खाना मिलता है कि वो डेली डेली नहीं खरीद सकते, तो जो लोग बांटने आते हैं उसी से उनका काम चलता है। बेचारे देखिए कभी तो भूखे भी सो जाते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जितना उनके पास पैसा रहता है तो पेशेंट में भी काफ़ी पैसा लगता है हॉस्पिटल में। ऐसा नहीं है कि उनका फ्री में इलाज हो जाता, जो फ्री वाला है वो फ्री में हो जाता, बाकी दवाइयां तो उनको खरीदना ही पड़ती है। बेचारे रोज रोज कहाँ कहाँ भटकेंगे खाने के लिए, इतना पैसा भी नहीं रहता। देखिए इंसान लुटपुट जाता है हॉस्पिटल में, तो भाई जितना हमसे बनता उतना हम लोग कर देते हैं। देखिए मेरे पास जितना टाइम रहता उतना मैं बहुत अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पर मेरे बच्चे लोग भी हेल्प करवा लेते हैं, बेटी ने भी करवा ली, बेटे ने भी, और हस्बैंड भी करवा लेते हैं, वो भी पीछे नहीं हटते हैं। तो चलिए इनको पैक कर देते हैं। देखिए फ्रेंड, इतने सारे हमने डब्बे लगा लिए हैं, बहुत टाइम लग गया, पर सब ने हेल्प करवा दी, मेरे बेटे ने, बेटी ने, सब ने, तो बच्चे लोगों ने हेल्प करवा दी, तो फटाफट हो गया। डब्बे के ढक्कन ढूंढने में बहुत टाइम हो जाता, क्योंकि गर्म एयर भर जाती तो फिर लगने में भी बड़ी दिक्कत होती। देखिए पूरे 28 डब्बे हैं, ये गिन लिए हमने, तो देखते हैं जितने जितने लोग मिलेंगे दे आएंगे। ये भी एक पुण्य का काम है। देखिए ये पैक कर दिए इसमें सारे। गिर जाएंगे। एक पन्नी दूं क्या? नहीं नहीं गिर जाएंगे, अपू मत रख। देखिए ये बनाई है मैंने गजक, तो इसको मैं ऐसे तोड़ लूंगी। ये देखिए इतनी सारी बनी है, भगते भगते दौड़ते दौड़ते कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। अभी गुलाब जामुन के लिए मैंने बना के रखा है उसका बैटर, अब देखती हूँ गुलाब जामुन भी बनाना, टाइम मिलता तो। ये देखिए हस्बैंड जा रहे हैं, अब 9 बज गए हैं, देखो 9 बजे। इसमें वो क्यों हो रहा है, लेट हो गए, बहुत देर से लगा रहे, उठा रहे, कर रहे, रख रहे, रख रहे, ऐसे चल रहा बस। बीच बीच में मैं ऑफ कैमरा भी ये काम करती रहती हूँ, अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि हम यही नहीं है ज़रूरी कि हर बार सूट ही करें, हर बार डालें, बट थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैंने सूट कर लिया। अभी मुझे घर का खाना भी बनाना है, खिचड़ी बनाई, मॉर्निंग में खिचड़ी बनाई थी, मतलब 2 टाइम हमारे घर खिचड़ी बनी है। अब देखती हूँ खाने में क्या बनाना। तो फ्रेंड यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, रात के बज रहे हैं 10:30 और यहाँ पर बन रही है गुलाब जामुन की चाशनी। और ये देखिए गुलाब जामुन, ये बहुत दीपावली से रखा हुआ था तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ, तो वही है ना बना लिए मैंने। आज कितना सारा पकवान बनाया मैंने बताइए, कितना इंसान थक जाता है। 10:30 बज रहे हैं, बताइए घर का इतना सारा काम करने के बाद ये भी काम करना। अभी ड्राई फ्रूट के लड्डू और बनाना है मुझे, खाने के लिए सब रहते हैं पर काम नहीं करवाएंगे इतना ड्राई फ्रूट के लड्डू के लिए। तो सब ये मैंने घी में तल लिए हैं, देसी घी जो रहता ना उसमें निकाल लिया है, ये तल लिए। चाशनी भी लगभग हो गई है, इसमें डाल दूंगी मैं। चाशनी थोड़ी ठंडी होगी तभी डालूंगी।
पानी भी लो। देख लीजिए ये इतनी सारी मावा बाटी बन गई मेरी अच्छी मस्त। अब तक मेरे हाथ नहीं लगते ना, मावा बाटी बनती नहीं है, मस्त बनी है। कितनी होगी, 20-25 होगी लगता। चलिए फ्रेंड आ जाइए, खा लीजिए आप भी।